खबर खंडवा मुंदी पावर प्लांट से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ठेकेदारों का सहयोगी बताया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर शुक्रवार रात को अचानक पावर प्लांट में पहुंचे, अपने वाहन को मेन गेट से दूर खड़ा कर दिया और पैदल अंदर प्रवेश करने लगे तो सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने से रोका। ऊर्जा मंत्री ने अपना परिचय देते हुए अंदर जाने को कहा तो सुरक्षा कर्मियों ने कहा हम उच्च अधिकारियों से लेंगे जानकारी। वहीं मंत्री जी ने प्रवेश किया और रात में ही दौरा किया। इतना ही नहीं, शनिवार सुबह 10 बजे से परियोजना में विजिट भी किया। इस दौरान कई कमियां देखने को मिली, जिसमें कंट्रोल रूम में एसी बंद मिलने पर सहायक अभियंता पर FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए। विधानसभा सत्र में राव विधायक जीतू पटवारी के द्वारा सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की 3 नंबर और 4 नंबर यूनिट बंद होने का मामला भी उठाया था। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि जीतू पटवारी सिर्फ दिखावा करते हैं कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दें, इसके लिए इस प्रकार के विधानसभा में कोचन रखे जाते हैं जिन्हें बिजली उत्पादन का कोई भी ज्ञान नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ठेकेदारों के साथ देने वाला बताया है। और अभी इसको ऑपरेटर को बुलाओगे एग्जैक्ट मालूम पड़ जाएगा कब से बंद रहेगी। ये कोयला है तो पत्थर ये तो लिख के दिए कि दे दे दिए कैसे भी तो कुछ नहीं आ रहा, ये भी रह नहीं आए सर। हमारे पास कब से बंद है ये सी और चलिए बताइए श्रीमान, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना मजबूत होगा, कितना कमजोर होगा। नहीं वो झूठ क्यों बोला था? इकाइयों का निरीक्षण करने आया, देखना मुझे चाहिए, मेरा कर्तव्य था तो मैंने कल रात को आ गया। मैंने देखा है जहाँ कुछ कमियाँ हैं उनको ठीक करने का निर्देश दिया है, जहाँ अच्छाइयाँ हैं उसके लिए स्टाफ के अपने साथियों की पीठ भी ठोकी। दूसरा जो हमारी दो यूनिटें बंद पड़ी हुई हैं वो यूनिटें जल्द से काम करने लगी, उसके संबंध में भी प्रोग्रेस देखी और कोशिश है कि आज उसमें आदमी जीत की है और वो भी अपना काम चालू कर दें। किसी मामले में फैर निर्देश देखिए, जब हमारे यहाँ कोई कर्मचारी काम करता है तो उसके अनुकूल वातावरण ये कानून नहीं। तो मैंने पूछा कि ये जहाँ पे हमारा ऑपरेटर बैठता है वहाँ का गर्मी है, एसी लगाया तो क्यों लगा है, एसी चालू नहीं है। उसने कहा कि 3 दिन से नहीं है, फिर उसका जब पूरा मेरे जानकारी लिया तो काफ़ी समय से बंद नहीं था, तो झूठ बोल रहा है। कर्मचारियों के अनुकूल वातावरण में झूठ बोलना तो अपराध, कमियाँ छिपाना है। तो मैंने निर्देश दिए कि उसको खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करिए। मंत्री जी, अभी आपने जिस तक निरीक्षण किया पूरे मध्य प्रदेश में भी, आप जहाँ भी ताप घर में जाते हैं या फिर किसी भी विद्युत गृह में भी जाके आप कर रहे हैं तो एक अलग छवि उभर रही है, तो क्या आप मानते हैं कि शिवराज सरकार में और कमलनाथ सरकार में बड़ा अंतर है जब यहाँ पर खुद मंत्री विधायक? निश्चित रूप से शिवराज सरकार में माननीय के नेतृत्व में काम करने के लिए मौका अवसर चर्चा की जाती है। कमलनाथ जी के पास समय की उपलब्धता नहीं थी, समय नहीं था उनके पास। वो काम करने वाले लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उसको प्रोत्साहन करने का समय उनके पास नहीं था। उनकी रुचि सिर्फ वल्लभ भवन में बैठकर थी, चंद ठेकेदारों के साथ के लिए समय होता था, आम दिन के लिए समय नहीं। खबर भारतवर्ष के लिए खंडवा मुंदी पावर प्लांट से विशाल पटेल की रिपोर्ट।
अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।